अब तक आपने सुना संपाति का निशाकर मुनि को अपने पंख के जलने का कारण बताना। निशाकर मुनि का संपाति को सांत्वना देते हुए उन्हें भावी श्री रामचंद्र जी के कार्य में सहायता देने के लिए जीवित रहने का आदेश देना। संपाति का पंख युक्त होकर वानरों को उत्साहित करके उड़ जाना और वानरों का वहां से दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करना। समुद्र की विशालता देखकर विषाद में पड़े हुए वानरों को आश्वासन दे अंगद का उनसे पृथक पृथक समुद्र लंघन के लिए उनकी शक्ति पूछना। बारी बारी से वानर वीरों के द्वारा अपनी अपनी गमन शक्ति का वर्णन, जाम्बवान और अंगद की बातचीत तथा जाम्बवान का हनुमान जी को प्रेरित करने के लिए उनके पास जाना। श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। महर्षि वाल्मीकि प्रणीत श्रीमद् वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड 66वां सर्ग। जाम्बवान का हनुमान जी को उनकी उत्पत्ति कथा सुनाकर समुद्र लंघन के लिए उत्साहित करना। लाखों वानरों की सेना को इस तरह विषाद में परी देख जाम्बवान ने हनुमान जी से कहा, वानर जगत के वीर तथा संपूर्ण शास्त्र वेत्ताओं में श्रेष्ठ हनुमान, तुम एकांत में आकर चुपचाप क्यों बैठे हो, कुछ बोलते क्यों नहीं? हनुमान, तुम तो वानर राज सुग्रीव के समान पराक्रमी हो तथा तेज और बल में श्री राम और लक्ष्मण के तुल्य हो। कश्यप जी के महाबली पुत्र और समस्त पक्षियों में श्रेष्ठ जो विनता नंदन गरुड़ हैं, उन्हीं के समान तुम भी विख्यात शक्तिशाली एवं तीव्रगामी हो। महाबली महाबाहु पक्षीराज गरुड़ को मैंने समुद्र में कई बार देखा है, जो बड़े बड़े सर्पों को वहां से निकाल लाते हैं। उनके दोनों पंखों में जो बल है, वही बल वही पराक्रम तुम्हारे इन दोनों भुजाओं में भी है, इसीलिए तुम्हारा वेग और विक्रम भी उनसे कम नहीं है। वानर शिरोमणे, तुम्हारा बल बुद्धि तेज और धैर्य भी समस्त प्राणियों में सबसे बढ़कर है, फिर तुम अपने आप को ही समुद्र लांघने के लिए क्यों नहीं तैयार करते? वीरवर, तुम्हारे प्रादुर्भाव की कथा इस प्रकार है। पुंचिक स्थला नाम से विख्यात जो अप्सरा है, वह समस्त अप्सराओं में अग्रगण्य है। तात, एक समय शापवश वह कपियोनि में अवतीर्ण हुई। उस समय वह वानरराज महामनस्वी कुंजर की पुत्री इच्छानुसार रूप धारण करने वाली थी। इस भूतल पर उसके रूप की समानता करने वाला दूसरा कोई स्त्री नहीं थी। वह तीनों लोकों में विख्यात थी। उसका नाम अंजना था। वह वानरराज केसरी की पत्नी हुई। एक दिन की बात है, रूप और यौवन से सुशोभित होने वाली अंजना मानवीय स्त्री का रूप धारण करके वर्षा काल के मेघ की भांति श्याम कांति वाले एक पर्वत शिखर पर विचर रही थी। उसके अंगों पर रेशमी साड़ी शोभा पाती थी। वह फूलों के विचित्र आभूषणों से विभूषित थी। उस विशाल लोचना बाला का सुंदर वस्त्र तो पीले रंग का था, किंतु उसके किनारे का रंग लाल था। वह पर्वत के शिखर पर खड़ी थी। उसी समय वायु देवता ने उसके उस वस्त्र को धीरे से हर लिया। तत्पश्चात उन्होंने उसकी परस्पर सटी हुई गोल गोल जांघों, एक दूसरे से लगे हुए पीन उरोजों तथा मनोहर मुख को भी देखा। उसके नितंब ऊंचे और विस्तृत थे। कटिभाग बहुत ही पतला था। उसके सारे अंग परम सुंदर थे। इस प्रकार बलपूर्वक यशस्विनी अंजना के अंगों का अवलोकन करके पवन देवता काम से मोहित हो गए। उनके संपूर्ण अंगों में काम भाव का आवेश हो गया। मन अंजना में ही लग गया। उन्होंने उस अनिंद्य सुंदरी को अपनी दोनों विशाल भुजाओं में भरकर हृदय से लगा लिया। अंजना उत्तम व्रत का पालन करने वाली सती नारी थी। अतः उस अवस्था में पड़कर वह वहीं घबरा उठी और बोली, कौन मेरे इस पातिव्रत्य का नाश करना चाहता है? अंजना की बात सुनकर पवन देव ने उत्तर दिया, सुश्रोणी, मैं तुम्हारे एक पत्नी व्रत का नाश नहीं कर रहा हूँ, अतः तुम्हारे मन से यह भय दूर हो जाना चाहिए। यशस्विनी, मैंने अव्यक्त रूप से तुम्हारा आलिंगन करके मानसिक संकल्प के द्वारा तुम्हारे साथ समागम किया है। इससे तुम्हें बल पराक्रम से संपन्न एवं बुद्धिमान पुत्र प्राप्त होगा। वह महान धैर्यवान महातेजस्वी महाबली महापराक्रमी तथा लांघने और छलांग मारने में मेरे समान होगा। महाकपे, वायुदेव के ऐसा कहने पर तुम्हारी माता प्रसन्न हो गई। महाबाहो वानर श्रेष्ठ, फिर उन्होंने तुम्हें एक गुफा में जन्म दिया। बाल्यावस्था में एक विशाल वन के भीतर एक दिन उदित हुए सूर्य को देखकर तुमने समझा कि यह भी कोई फल है, अतः उसे लेने के लिए तुम सहसा आकाश में उछल पड़े। महाकपे, 300 योजन ऊंचे जाने के बाद सूर्य के तेज से आक्रांत होने पर भी तुम्हारे मन में खेद या चिंता नहीं हुई। कपिप्रवर, अंतरिक्ष में जाकर जब तुरंत ही तुम सूर्य के पास पहुंच गए, तब इंद्र ने कुपित होकर तुम्हारे ऊपर तेज से प्रकाशित वज्र का प्रहार किया। उस समय उदयगिरी के शिखर पर तुम्हारे हनु का बायां भाग वज्र की चोट से खंडित हो गया। तभी से तुम्हारा नाम हनुमान पड़ गया। तुम पर प्रहार किया गया है, यह देखकर गंधवाहक वायुदेवता को बड़ा क्रोध हुआ। उन प्रभंजन देव ने तीनों लोकों में प्रवाहित होना छोड़ दिया। इससे संपूर्ण देवता घबरा गए, क्योंकि वायु के अवरुद्ध हो जाने से तीनों लोकों में खलबली मच गई थी।
उस समय समस्त लोकपाल कुपित हुए वायुदेव को मनाने लगे। सत्य पराक्रमी तात, पवन देव के प्रसन्न होने पर ब्रह्मा जी ने तुम्हारे लिए यह वर दिया कि तुम सम्रांगण में किसी भी अस्त्र शस्त्र के द्वारा मारे नहीं जा सकोगे। प्रभो, वज्र के प्रहार से भी तुम्हें पीड़ित न देखकर सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र ने मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने तुम्हारे लिए यह उत्तम वर दिया कि मृत्यु तुम्हारी इच्छा के अधीन होगी, तुम जब चाहोगे तभी मर सकोगे अन्यथा नहीं। इस प्रकार तुम केसरी के क्षेत्रज पुत्र हो, तुम्हारा पराक्रम शत्रुओं के लिए भयंकर है, तुम वायुदेव के औरस पुत्र हो इसलिए तेज की दृष्टि से भी उन्हीं के समान हो, वत्स तुम पवन के पुत्र हो अतः छलांग मारने में भी उन्हीं के तुल्य हो। हमारी प्राण शक्ति अब चली गई, इस समय तुम ही हम लोगों में दूसरे वानराज की भांति चातुर्य एवं पौरुष से संपन्न हो। तात, भगवान वामन ने त्रिलोकी को नापने के लिए जब पैर बढ़ाया था उस समय मैंने पर्वत वन और काननों सहित समूची पृथ्वी की 21 बार प्रदक्षिणा की थी। समुद्र मंथन के समय देवताओं की आज्ञा से हमने उन औषधियों का संचय किया था जिनके द्वारा अमृत को मथकर निकालना था। उन दिनों हमने महान बल था, अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरा पराक्रम घट गया है। इस समय हम लोगों में तुम ही सब प्रकार के गुणों से संपन्न हो, अतः पराक्रमी वीर तुम अपने असीम बल का विस्तार करो, छलांग मारने में तुम सबसे श्रेष्ठ हो, यह सारी वानर सेना तुम्हारे बल पराक्रम को जान देखना चाहती है। वानर श्रेष्ठ हनुमान, उठो और इस महासागर को लांघ जाओ, क्योंकि तुम्हारी गति सभी प्राणियों से बढ़कर है। हनुमान, समस्त वानर चिंता में परे हैं, तुम क्यों इनकी उपेक्षा करते हो? महान वेगशाली वीर, जैसे भगवान विष्णु ने त्रिलोकी को नापने के लिए तीनों पग बढ़ाए थे उसी प्रकार तुम भी अपने पैर बढ़ाओ। इस प्रकार वानरों और भालुओं में श्रेष्ठ जाम्बवान की प्रेरणा पाकर कपिवर पवन कुमार हनुमान को अपने महान वेग पर विश्वास हो आया। उन्होंने वानर वीरों की उस सेना का हर्ष बढ़ाते हुए उस समय अपना विराट रूप प्रकट किया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 66वां सर्ग पूर्ण हुआ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड 67वां सर्ग। हनुमान जी का समुद्र लांघने के लिए उत्साह प्रकट करना, जाम्बवान के द्वारा उनकी प्रशंसा तथा वेगपूर्वक छलांग मारने के लिए हनुमान जी का महेंद्र पर्वत पर चढ़ना, 100 योजन के समुद्र को लांघने के लिए वानर श्रेष्ठ हनुमान जी को सहसा बढ़ते और वेग से परिपूर्ण होते देख जब वानर तुरंत शोक छोड़कर अत्यंत हर्ष से भर गए और महाबली हनुमान जी की स्तुति करते हुए जोर जोर से गर्जना करने लगे। वे उनके चारों ओर खड़े हो प्रसन्न एवं चकित होकर उन्हें इस प्रकार देखने लगे जैसे उत्साहयुक्त नारायण अवतार वामन जी को समस्त प्रजा ने देखा था। अपनी प्रशंसा सुनकर महाबली हनुमान ने शरीर को और भी बढ़ाना आरंभ किया, साथ ही हर्ष के साथ अपनी पूंछ को बारंबार घुमाकर अपने महान बल का संस्मरण किया। बड़े बूढ़े वानर शिरोमणियों के मुख से अपनी प्रशंसा सुनते और तेज से परिपूर्ण होते हुए हनुमान जी का रूप उस समय बड़ा ही उत्तम प्रतीत होता था। जैसे पर्वत की विस्तृत कंदरा में सिंह अंगराई लेता है उसी प्रकार वायु देवता के औरस पुत्र ने उस समय अपने शरीर को अंगराई ले लेकर बढ़ाया। जम्हाई लेते समय बुद्धिमान हनुमान जी का दीप्तिमान मुख जलते हुए भार तथा धूम रहित अग्नि के समान शोभा पा रहा था। वानरों के बीच से उठकर खड़े हो गए, उनके संपूर्ण शरीर में रोमांच हो आया। उस अवस्था में हनुमान जी ने बड़े बूढ़े वानरों को प्रणाम करके इस प्रकार कहा, आकाश में विचरने वाले वायु देवता बड़े बलवान हैं, उनकी शक्ति की कोई सीमा नहीं है, वे अग्निदेव के सखा हैं और अपने वेग से बड़े बड़े पर्वत शिखरों को भी तोड़ डालते हैं। अत्यंत शीघ्र वेग से चलने वाले उन शीघ्रगामी महात्मा वायु का मैं औरस पुत्र हूँ और छलांग मारने में उन्हीं के समान हूँ। कहीं सहस्त्र योजनों तक फैले हुए मेरुगिरी की जो आकाश के बहुत बड़े भाग को ढके हुए हैं और उसमें रेखा खींचता से जान पड़ता, मैं बिना विश्राम लिए सहस्त्रों बार परिक्रमा कर सकता हूँ। अपनी भुजाओं के वेग से समुद्र को विक्षुब्ध करके उसी के जल से मैं पर्वत नदी और जलाशयों सहित संपूर्ण जगत को आप्लावित कर सकता हूँ। वरुण का निवास स्थान या महासागर मेरी जांघों और पिंडलियों के वेग से विक्षुब्ध हो उठेगा और इसके भीतर रहने वाले बड़े बड़े ग्रह ऊपर आ जाएंगे। समस्त पक्षी जिनकी सेवा करते हैं वे सर्पभोजी विनतानंदन गरुड़ आकाश में उड़ते हों तो भी मैं हजारों बार उनके चारों ओर घूम सकता हूँ। श्रेष्ठ वानरों, उदयाचल से चलकर अपने तेज से प्रज्वलित होते हुए सूर्यदेव को मैं अस्त होने से पहले ही छू सकता हूँ और वहाँ से पृथ्वी पर आकर वहाँ यहाँ पैर रखे बिना ही पुनः उनके पास तक बड़े भयंकर वेग से जा सकता हूँ। आकाशचारी समस्त ग्रह नक्षत्र आदि को लांघकर आगे बढ़ जाने का उत्साह रखता हूँ। मैं चाहूँ तो समुद्रों को सोख लूंगा, पृथ्वी को विदीर्ण कर दूंगा और कूद कूद कर पर्वतों को चूर चूर कर डालूंगा, क्योंकि मैं दूर तक की छलांगें मारने वाला वानर हूँ। महान वेग से महासागर को फांदता हुआ मैं अवश्य उसके पार पहुंच जाऊंगा। आज आकाश में वेगपूर्वक जाते समय लताओं और वृक्षों के नाना प्रकार के फूल मेरे साथ उड़ते जाएंगे। बहुत से फूल बिखेरे होने के कारण मेरा मार्ग आकाश में अनेक नक्षत्रपुंजों से सुशोभित स्वाति मार्ग के समान प्रतीत होगा। वानरों, आज समस्त प्राणी मुझे भयंकर आकाश में सीधे जाते हुए ऊपर उछलते हुए और नीचे उतरते हुए देखेंगे। कपिवरों, तुम देखोगे मैं महागिरी मेरु के समान विशाल शरीर धारण करके स्वर्ग को ढकता और आकाश को निगलता हुआ सागर बनूंगा, बादलों को छिन्न भिन्न कर डालूंगा, पर्वतों को हिला दूंगा और एक चित्त हो छलांग मारकर आगे बढ़ने पर समुद्र को भी सुखा दूंगा।
विनतानंदन गरुड़ में मुझ में अथवा वायु देवता में ही समुद्र को लांघ जाने की शक्ति है। पक्षीराज गरुड़ अथवा महाबली वायु देवता के सिवा और किसी प्राणी को मैं ऐसा नहीं देखता जो यहाँ से छलांग मारने पर मेरे साथ जा सके। मेघ से उत्पन्न हुई विद्युत की भांति मैं पलक मारते मारते सहसा निराधार आकाश में उड़ जाऊँगा। समुद्र को लांघते समय मेरा वही रूप प्रकट होगा जो तीनों पगों को बढ़ाते समय वामन रूपधारी भगवान विष्णु का हुआ था। वानरों, मैं बुद्धि से जैसा देखता या सोचता हूँ मेरे मन की चेष्टा भी उसके अनुरूप ही होती है। मुझे निश्चय जान पड़ता है कि मैं विदेह कुमारी का दर्शन करूँगा, अतः तुम लोग खुशियाँ मनाओ। मैं वेग में वायु देवता तथा गरुड़ के समान हूँ। मेरा तो ऐसा विश्वास है कि इस समय मैं 10,000 योजन तक जा सकता हूँ। वज्रधारी इंद्र अथवा स्वयंभू ब्रह्मा जी के हाथ से भी मैं बलपूर्वक अमृत छीन कर सहसा यहाँ ला सकता हूँ। समूची लंका को भी भूमि से उखाड़ कर हाथ पर उठाए चल सकता हूँ, ऐसा मेरा विश्वास है। अमित तेजस्वी वानर श्रेष्ठ हनुमान जी जब इस प्रकार गर्जना कर रहे थे उस समय संपूर्ण वानर अत्यंत हर्ष में भरकर चकित भाव से उनकी ओर देख रहे थे। हनुमान जी की बातें भाई बंधुओं के शोक को नष्ट करने वाली थी। उन्हें सुनकर वानर सेनापति उस समय संपूर्ण वानर अत्यंत हर्ष में भरकर चकित भाव से उनकी ओर देख रहे थे। हनुमान जी की बातें भाई बंधुओं के शोक को नष्ट करने वाली थीं। उन्हें सुनकर वानर सेनापति जाम्बवान को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे बोले, वीर केसरी के सुपुत्र वेगशाली पवन कुमार तात, तुमने अपने बंधुओं का महान शोक नष्ट कर दिया। यहाँ आए हुए सभी श्रेष्ठ वानर तुम्हारे कल्याण की कामना करते हैं। अब ये कार्य की सिद्धि के उद्देश्य से एकाग्रचित्त हो तुम्हारे लिए मंगल कृत्य स्वस्ति वाचन आदि का अनुष्ठान करेंगे। ऋषियों के प्रसाद वृद्ध वानरों की अनुमति तथा गुरुजनों की कृपा से तुम इस महासागर के पार हो जाओ। जब तक तुम लौट कर यहाँ आओगे तब तक हम तुम्हारी प्रतीक्षा में एक पैर से खड़े रहेंगे, क्योंकि हम सब वानरों का जीवन तुम्हारे ही अधीन है। तदनंतर कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ने उन वनवासी वानरों से कहा, अब मैं यहाँ से छलांग मारूंगा। इस समय संसार में कोई भी मेरे वेग को धारण नहीं कर सकेगा। शिलाओं के समूह से शोभा पाने वाले केवल इस महेंद्र पर्वत के ये शिखर ही ऊंचे ऊंचे और स्थिर हैं, जिन पर नाना प्रकार के वृक्ष फैले हुए हैं तथा गैरिक आदि धातुओं के समुदाय शोभा दे रहे हैं। इन महेंद्र शिखरों पर ही वेगपूर्वक पैर रखकर मैं यहाँ से छलांग मारूंगा। यहाँ से 100 योजन के लिए छलांग मारते समय महेंद्र पर्वत की ये महान शिखर ही मेरे वेग को धारण कर सकेंगे। यूं कहकर वायु के समान महापराक्रमी शत्रुमर्दन पवन कुमार हनुमान जी ने पर्वतों में श्रेष्ठ महेंद्र पर चढ़ गए। वह पर्वत नाना प्रकार के पुष्पयुक्त वृक्षों से भरा हुआ था। वन्य पशु वहाँ की हरी भरी घास चर रहे थे। लताओं और फूलों से वह सघन जान पड़ता था और वहाँ के वृक्षों में सदा ही फल फूल लगे रहते थे। महेंद्र पर्वत के वनों में सिंह और बाघ भी निवास करते थे। मतवाले गजराज विचरते थे। मदमत्त पक्षियों के समूह सदा कलरव किया करते थे तथा जल के स्रोतों और झरनों से वह पर्वत व्याप्त दिखाई देता था। बड़े बड़े शिखरों से ऊंचे प्रतीत होने वाले महेंद्र पर्वत पर आरूढ़ हो इंद्रतुल्य पराक्रमी महाबली कपिश्रेष्ठ हनुमान यहाँ वहाँ उधर उधर टहलने लगे। महाकाय हनुमान जी के दोनों पैरों से दबा हुआ वह महान पर्वत सिंह से आक्रांत हुए महान मदमत्त गजराज की भांति चित्कार सा करने लगा। वहाँ रहने वाले प्राणियों का शब्द ही मानो उसका आर्त चित्कार था। उसके शिला समूह इधर उधर बिखर गए। उससे नए नए झरने फूट निकले। वहाँ रहने वाले मृग और हाथी भय से थर्रा उठे और बड़े बड़े वृक्ष झोंके खाकर झूमने लगे। मधुपान के संसर्ग से उद्दत्त चित्त वाले अनेकानेक गंधर्वों के जोरे विद्याधरों के समुदाय और उड़ते हुए पक्षी भी उस पर्वत के विशाल शिखरों को छोड़कर जाने लगे। बड़े बड़े सर्प बिलों में छिप गए तथा उस पर्वत के शिखरों से बड़ी बड़ी शिलाएँ टूट टूट कर गिरने लगीं। इस प्रकार वह महान पर्वत बड़ी दुर्वस्था में पड़ गया। बिलों से अपने आधे शरीर को बाहर निकालकर लंबी सांस खींचते हुए सर्पों से उपलक्षित होने वाला वह महान पर्वत उस समय अनेकानेक पताकाओं से अलंकृत सा प्रतीत होता था। भय से घबराए हुए ऋषि मुनि भी उस पर्वत को छोड़ने लगे, जैसे विशाल दुर्गम वन में अपने साथियों से बिछड़ा हुआ एक राही भारी विपत्ति में फंस जाता है। यही दशा उस महान पर्वत महेंद्र की हो रही थी। शत्रु वीरों का संहार करने वाले वानर सेना के श्रेष्ठ वीर वेगशाली महामनस्वी महानुभाव हनुमान जी का मन वेगपूर्वक छलांग मारने की योजना में लगा हुआ था। उन्होंने चित्त को एकाग्र करके मन ही मन लंका का स्मरण किया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 67वां सर्ग पूर्ण हुआ। किष्किंधा कांड समाप्त।